यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहीं लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई करने के अभियान को चलाने का निर्देश दिया है। आगरा में आज इसी क्रम में संजय प्लेस में अभियान चलाया गया और मास्क न पहनने वालों के चालान काटे गए। के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी सख्त हुआ है और हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को डायरेक्टिव्स दिए हैं, निर्देश जारी किया है, जिसके तहत एक महीने तक सघन अभियान चलाया जाए और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके चालान काटे जाएं। हालांकि ये प्रावधान पहले से है, लेकिन लगातार जो शिथिलता बरती जा रही थी उस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। इसके साथ ही 6 ऐसे जिले जहां सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं वहां ड्रोन से भी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। और ऐसे में आगरा पुलिस, आप देख सकते हैं, एक अभियान के तहत जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनके मास्क उनके चालान काटे जा रहे हैं। इस समय संजय प्लेस चौकी में मौजूद हूँ के बाहर और कई सारे लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए थे, हालांकि उनके पास मास्क था और जैसे ही पुलिस ने पकड़ा है वैसे ही वो लोग यहाँ उन्होंने मास्क लगा लिए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के पास मास्क होते हुए भी वो लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। हमारे साथ SP सिटी साहब हैं, आप बताइए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं और कहा है कि एक महीने तक अभियान चलाया जाए और जो मास्क न लगाए उन पर सख्ती की जाए, किस तरह से अभियान चल रहा है? देखिए, COVID-19 का संक्रमण जब से ये शुरू हुआ है मास्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है COVID-19 के जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसमें लगातार हम लोगों द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं प्रत्येक चौराहे पे। आज भी आप देख रहे हैं कि कई लोगों को इसमें उनके ऊपर कार्रवाई भी की है, चालान भी किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का भी पूरी तरीके से पालन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, चलाने की कार्रवाई भी की जा रही है। इनफैक्ट सभी लोगों को हम लोग अवेयरनेस के तौर पे ऐसे तो COVID-19 का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी हैं और इसी के तहत गाजीपुर में कई जगहों पर COVID-19 की जांच हो रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि जिस लैब टेक्नीशियन को स्वास्थ्य विभाग ने ये जिम्मेदारी दी है उसे किसी भी तरह का सेफ्टी उपकरण ही नहीं दिया गया। ऐसे में बिना सेफ्टी उपकरण के ही यहाँ कोविड की जाँच की जा रही है। आप लोग जाएं वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के मदद से या सहयोग से, पब्लिक समाज सेवकों के सहयोग से यहाँ कोरोना टेस्ट कराएं। अब तक कितने लोगों की जांच अपने कर अब तक जो 22 लोगों की जांच होती है। रूटीन हमारे PHC CHC पे जो जांच होती है उनके अलावा दो टीम जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स का और ये रेहड़ी पटरी वालों का, इन सबकी जाँच कर रही है। और दो टीम हमारी हमने लगाया है जिला जेल में, स्थायी जेल में, और वहां जाकर के ये लोग जांच कर रहे हैं। आज हमारा लक्ष्य है कि जेल में लगभग 400 कैदियों का जांच किया, कोविड जांच किया जाएगा। अगली खबर प्रतापगढ़ से। जमीन विवाद में दबंगों महिलाओं को पीटने की बात सामने आई है, महिलाओं की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आत्मरक्षा में महिलाओं ने भी लाठियां चलाई हैं। कन्हई कोतवाली क्षेत्र के प्रेमधर पट्टी का ये मामला है, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। जमीनी विवाद में ये पूरा झगड़ा हुआ है। आरोप है कि इस विवाद में दबंगों ने महिलाओं को पीटा और आत्मरक्षा के लिए महिलाओं ने भी डंडा उठा लिया और महिलाओं ने भी लाठियां चलाई। ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, प्रतापगढ़ की घटना, जहां पर जमीन के विवाद में ये दबंगई महिलाओं को पीटने से गुरेज नहीं कर रहे थे तो महिलाओं ने भी डंडा उठा लिया और आत्मरक्षा में इन पर डंडे चलाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई से थरथर कांप रहे हैं। कई थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं तो कई सोशल मीडिया पर ही अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ताजा मामला इटावा का है, जहां टॉप 10 अपराधियों में शुमार अनीस उर्फ पाशु पुलिस की कार्रवाई से घबराकर सोशल मीडिया पर जान बचाने की गुहार लगा रहा है। वायरल वीडियो में शातिर अपराधी अनीस सीएम योगी से जान बचाने की भीख मांगता दिख रहा है। आपको बता दें, अपराधी अनीस पर 45 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उस पर 25,000 का इनाम भी रखा गया है। देखिए, ये जिनकी बात आप कर रहे हैं ये हिस्ट्री शीटर भी हैं हमारे यहाँ के शहर के, और गैंगस्टर भी हैं। इनके पास इनके विरुद्ध अपराध बहुत लिखे हुए हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो है वायरल किया है, वीडियो वायरल किया है,
तो हर अपराधी अपने बचत के तरीके ढूंढता है, लेकिन पुलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस अपना काम करेगी।